please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी परिवारों पर आतंकियों का हमला जारी है। एक हफ्ते में दूसरी बार अगवा करने के बाद हत्या की खबर आई है। बांदीपोरा के हाजन में आतंकियों ने कल परिवार पर हमले के बाद मंजूर भट्ट को अगवा कर लिया था, जिसका शव आज हाजन के ही बंद मोहल्ला में मिला है। और कल देर रात जब पूरा परिवार सो रहा था तो आतंकी फायरिंग करते हुए घर में दाखिल हुए। अब्दुल गफ्फार और उनके बेटे मंजूर भट्ट को अगवा कर ले गए। कुछ दूर जाने के बाद अब्दुल किसी तरीके से आतंकियों के चंगुल से भाग निकले, लेकिन आतंकियों की गोली से बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन आतंकी मंजूर को अपने साथ ले गए, जिसका आज शव बरामद हुआ है। ये भी बता दें कि एक हफ्ते में कश्मीर में अपहरण के बाद हत्या की ये दूसरी घटना है। लगातार एक हफ्ते में अपहरण के बाद हत्या ये दूसरी घटना, और आतंकी जिस तरीके से घरों में घुसकर अगवा कर रहे हैं, ये एक हफ्ते में दूसरी घटना सामने आई है। हाजन इलाके की ये घटना है जिसमें कश्मीरी परिवारों को अब निशाना बनाया जा रहा है, यानी आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी युवा, कश्मीरी परिवार आतंकियों के निशाने पर है। आतंकियों ने कल मंजूर भट्ट को अगवा किया था। एक हफ्ते में हत्या की ये दूसरी घटना है। बांदीपोरा इलाके की ये पूरी घटना है जहाँ पर आतंकियों ने घर में धावा बोलते हुए उस घर के दो जो पुरुष लोग वहां पर मौजूद थे, पिता और पुत्र दोनों को अगवा कर लिया। हालांकि पिता किसी तरीके से जान बचाकर भागने में कामयाब रहे, लेकिन बेटे को मौत के घाट उतार दिया और आज उसका शव मिला है। हफ्ते में दूसरी घटना। हालांकि पुलिस कह रही है कि लगातार इन मामलों की भी जांच हो रही है। कश्मीरी परिवारों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है आतंकियों की तरफ से, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बांदीपोरा इलाके की, जहां पर परिवार में मातम का माहौल है। कश्मीरी लड़के को अगवा किया था आतंकियों ने। बिहार के दरभंगा में एक अस्पताल के बेड पर अपनी बच्ची को लेकर बैठी एक महिला से कुछ पुलिस वाले पूछताछ करते नजर आए। आरोप है कि इस महिला की 2 साल की बच्ची का पड़ोस में रहने वाले 2 लड़कों ने रेप किया, जिसके बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ने लगी तो घर वालों ने उसको अस्पताल में भर्ती कराया। बाद में अस्पताल पहुंचे परिवार वालों ने बच्ची की मां से वारदात के बारे में जानकारी ली। बच्ची की मां का आरोप है कि उसका रेप पड़ोस में रहने वाले 2 लड़कों ने किया। मौका का फायदा उठा लिया मेरे बेटी का साथ। बच्ची की मां के बयान के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें एक नाबालिग है। लड़के मोहल्ले के और संबंधी है, ले गए थे, उसमें से एक बच्चा नाबालिग भी है, और ले जाके साथ उससे कुछ गलत हरकत किए। पकड़े गए आरोपियों में एक रिश्ते में पीड़ित बच्ची का चाचा लगता है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश की वजह से आरोपियों ने बच्ची के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया।